तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम यूज करते हैं डेटा कनेक्टिविटी में एमएस क्यूरी। जी हाँ, डेटा कनेक्टिविटी में हम बात करेंगे एमएस क्यूरी के बारे में। जैसे हम यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एमएस क्यूरी दिखता है। हाँ, इसका यूज क्यों होता है? जैसे जनरली हम वो डेटा को लिंक करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में बताया कि हमने फ्रॉम एक्सेल लिया और फ्रॉम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट किया, तो उसमें क्या होता है कि आप सारा डेटा ले सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा आता है, या पावर क्वेरी में जाने के बाद आप डेटा फिल्टर कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जब आपको बात आती है कि नहीं, मुझे एक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, की के अकॉर्डिंग चलना है एक, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं सिटी में डेटा है तो मैं चाहता हूं कि मैं सिटी जो ड्रॉप डाउन करूँ वो सिटी के हिसाब से चले, और एमएस पावर क्वेरी जो आपका पावर क्वेरी की बात हुई थी, तो आपके लेटेस्ट एक्सेल में, पुराने एक्सेल में पावर क्वेरी है नहीं, तो पावर क्वेरी ऐसा फीचर्स हम यूज करते थे एमएस क्यूरी में। तो क्या फीचर है एमएस क्यूरी के, चलिए हम आपके साथ बात करते हैं। तो फ्रॉम एमएस क्यूरी पे जाते हैं। एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहां हम आते हैं अपने लोकेशंस पे। जैसे कि मेरे पास डी ड्राइव के अंदर डेटा है, तो डी ड्राइव के अंदर कोई भी एक डेटा ले लेते हैं। चलिए इसी डेटा को, डेटा डॉट एक्सेल एस इसी को ले लेते हैं, और यहां भी ओके करते हैं। ओके करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर इस फीचर को यूज कर रहे हैं ना, तो आपको एक अलर्ट देगा नो टेबल अवेलेबल का, तो आपको यहाँ ऑप्शन पे आना होता है, और इस ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम टेबल, इस सिस्टम टेबल को ओके सिलेक्ट करके ओके करना, ठीक है। उसके बाद सारे टेबल्स इस फाइल के आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ कुछ कॉलम चाहिए तो कुछ कुछ कॉलम को लेके ऐड कीजिए, आपकी पूरी की पूरी शीट चाहिए तो पूरी की पूरी शीट आप ऐसे डालें, ठीक है सर। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर की। अगर मुझे फिल्टर लगानी है, जैसे मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर जोन का डेटा, ओके यहां से इस को नहीं, ये स्क्रॉल नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना आगे जोन, और यहाँ पे मैं इक्वल टू, और यहाँ पर्टिकुलर जोन, हालांकि पर्टिकुलर जोन ऑटोमेटिक आ जाता है बट यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आ जाता है यहाँ पे जोन लिस्ट आपको सर्च को क्या आ जाएगा। फिर भी मैं डाल देता हूँ, मैं लीजिए साउथ में मैन्युअली डाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए फिल्ड, इस फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ, फिनिश एंड ओके। ये देखिए सिर्फ साउथ का डेटा आया। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि नहीं मुझे सर्च करना है जोन के आपसे, जैसे मैं पी कॉलन में जोन ले लेता हूँ, अब मुझे सॉरी जोन मैं चाहता हूँ पी टू में, मान लीजिए मैंने डाला ईस्ट, तो डेटा पूरा ईस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, चाहे ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग हो या चाहे मैनुअली में टाइप। तो इसके लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार के अंदर। डेटा मेनू बार के अंदर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्यूरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करना हो, यहाँ पे क्यूरी एंड कनेक्शंस। अब क्यूरी एंड कनेक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा डेफिनेशन, डेफिनेशन पे आना होगा, और यहाँ देखिए एसक्यूएल क्यूरी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर, इसमें यहाँ आपको दिखेगा साउथ, तो मैं साउथ वाले सेक्शन को करता हूँ डिलीट, और इसके जगह पे हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसको पैरामीटर्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क देंगे तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पैरामीटर बन जाएगा, पैरामीटर डालने के लिए बताएगा, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो है डाल दिए, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया पहले रेफरेंस द फ्यूचर दिस वैल्यू रेफरेंस एंड फ्यूचर रेफरेंस, और यहाँ पे रेफरेंस इज व्हेन सेल वैल्यू चेंज,
और यहां पे मैं पी टू ले लेता हूं एनोक। ओ गलती हो गई, लग रहा है पी टू जो है अपने हमने एक को ए नहीं किया था ना। ओके अच्छा, फॉलोइंग वैल्यू होगी यहाँ पे गेट सेल रेफरेंस है और इसमें मुझे एन ओ ठीक है सर रिफ्रेश चेंज करके ओके सर एन ओ इसका डेटा नहीं है वेस्ट, हाँ लगा ईस्ट का डेटा नहीं है सर इसलिए नहीं है मुझे नॉर्थ नॉर्थ का भी आई थिंक नहीं है साउथ ठीक है क्लियर है जी 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 बेस्ट ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह जो होता है वो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं ओके समझ में आ गया जी जी। अब इसमें एक चीज और भी आती है जैसे कि कभी कभी हमें डेटा कुलेट करना होता है इसमें और क्या क्या कर सकते हैं पावर पे इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में तो गेट डेटा हम यहाँ आते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी और यहाँ पे एक्सेल फाइल्स ओके और यहाँ हम डाल लेते हैं डी डी लिया और डी के अंदर हम आते हैं डेटा एंड हो गए सीक्वेंस सेलेक्ट किया ओके नेक्स्ट और यहाँ पे अगर आपको देना है कंडीशन दे सकते हैं फिलहाल मैं कुछ कंडीशन नहीं दे रहा हूँ फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे व्यू एडिट क्यूरी दिख रहा होगा यहाँ पे हम फिनिश कर दिए ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का दिख रहा है और इसके अंदर हम अपना एसक्यूएल क्यूरी वगैरह लगा सकते एसक्यूएल क्यूरी लगा सकते ठीक है तो बोले सर एसक्यूएल क्यूरी कैसे तो मान लीजिए मुझे जोन वाइज इसकी सोल्ड क्वांटिटी की टोटल चाहिए जोन वाइज सोल्ड क्वांटिटी क्या चाहिए टोटल चाहिए तो हम अगर इस अगर आपको एसक्यूएल की क्यूरी पता है तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ इसकी क्यूरी का ध्यान रखिए कॉमा डॉट जो है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए अगर फॉर्मेट में थोड़ा भी चेंज हुआ तो आपका क्यूरी वर्क नहीं करेगा और मैं कोई सजेशन देगा कि सब ठीक कर सकते हैं इसके बाद हमने जोन ले लिया इसको डिलीट कर देता कॉमा नहीं इसको हमें पहले लिखना है जोन हमें पहले चाहिए ठीक कट कर देता हूँ सॉरी सीट हो गया जोन हो गया और यहाँ पे हम करते हैं सम और सोल क्वांटिटी एक कॉमा हटाते हैं एज विथ टोटल इसके अंदर टोटल और नीचे हम यहाँ करेंगे जी आर ओ यू ग्रुप बाय जोन दे देंगे एसक्यूएल क्यूरी की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा कॉमा वगैरह और ये सीट नेम वगैरह जो है ना देना होगा ठीक है एंड ओके करते हैं एंड ओके करते नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें ग्रुप बाय अलग अलग ठीक है सर
देखिए, हाँ आप डेटा इंपोर्ट करेंगे ना तो कुछ इस तरह से इंपोर्ट होगा, मतलब कि अब जो है यहीं पे आते हैं और यहाँ करते हैं रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और हम इसी सील पे ओके करते हैं। तो अब आप देखिए कि मेरे पास जो डेटा दूसरे डेटा से इंपोर्ट हुआ, वो डेटा पूरी की पूरी डेटा नहीं, हमारी एक समरी यहाँ पे देख पा रहे हैं सर आप। चलो अब इसमें आप अपना पूरा का पूरा सिक्वल क्वेरी वगैरह लगा दीजिए, ये आपका काम करना शुरू कर देगा। ओके ठीक है, अब इसके लिए आप सिक्वल क्वेरी आपको पता है तो यूज कर